एक बात बताइए, मोदी जी ने शरद पवार जी गए, अच्छा हुआ बुरा हुआ? आपको जाना चाहिए था शरद पवार, पवार जी आज का जो वातावरण देखिए हमारे, जाना चाहिए था हाँ या ना बता दीजिए, इसमें राजनीतिक वातावरण के जोड़ रहे हैं। ये मैथमेटिक्स ने ना, 1+1 2 हो जाएगा दीपक जी, 5 सेकंड दे दीजिए मैं बता देता हूं। अरे अतुल भाई आप ही का इंतजार कर रहा हूं कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने जो वायदे किए थे, वायदे पूरे करने के बजाय उन्होंने इस देश का लोकतंत्र खत्म करने का काम किया, उन्होंने इस देश का संविधान खत्म करने का काम किया। तो ऐसे प्रधानमंत्री को उस लोकमान्य तिलक का, जिन्होंने लखनऊ करार किया था, तब गांधी जी भी नहीं थे, तब नेहरू जी भी नहीं थे, तब कौन था? एनी बेसेंट थी, लोकमान्य तिलक जी थे और लोकमान्य और मोहम्मद अली जिन्ना थे, मुस्लिम लीग की तरफ से और कांग्रेस की तरफ, की दोनों की तरफ से। और तब लोकमान्य तिलक ने कहा था इस देश का अगर स्वाधीनता संग्राम बराबर करना होगा तो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर जाना होगा, यह बताया है शरद पवार जी ने। अगर उनकी बिटवीन द लाइंस अगर पढ़ोगे उनके भाषण का, तो ये सारी चीज बताई है। तो इसीलिए उन्होंने नहीं जाना चाहिए था, ये हमारा कहना था, लेकिन अगर वो गए हैं तो वो उनका निर्णय है, ये हमारी भूमिका। नहीं जाना चाहिए था, देख सकते हैं, समझ गया। महबूब शेख साहब नहीं जाना चाहिए था, क्यों गए शरद पवार जी? ऐसा है दीपक जी कि शरद पवार साहब का ये प्रोग्राम पहले से ही तय था। जिस दिन 2 तारीख को शपथ विधि हुआ और पवार साहब पुणे में थे शाम में, तो हम कुछ लोग साहब के साथ बैठे थे और उन्होंने कहा कि 3-4 हफ्ते पहले ये संस्था के लोग मेरे पास आए और मैंने ही 1 अगस्त को पीएम को रिक्वेस्ट की कि इनका प्रोग्राम है और आप पुरस्कार लेने के लिए आइए। तो एक संस्था का प्रोग्राम था। इससे पहले भी माननीय पंतप्रधान जी हो, अर्थमंत्री जेटली जी हो, ये कई बार बारामती में भी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। और कल आज मोदी साहब के साथ पवार साहब थे, इसकी चर्चा हुई, मगर कल उद्धव साहब ठाकरे, बाला साहब थोरात और पवार साहब ये एक किताब के प्रकाशन में कल थे। और कल वहां पर पवार साहब ने कहा कि मैं, उद्धव ठाकरे और बाला साहब थोरात, हम तीनों महाराष्ट्र में बदलाव ला सकते हैं। तो कल ही पवार साहब ने उनकी अगली लाइन क्या है इस पर बात कल ही रखी, कल उसकी न्यूज भी हुई। अगर किसी संस्था के प्रोग्राम जो पहले से ही तय था उस प्रोग्राम में पवार साहब नहीं जाते थे, तो मुझे लगता है ये पवार साहब जो की जो इतने साल की राजनीतिक जो काम कर रहे हैं, और उनका जो वो द्वेष की राजनीति कभी पवार साहब करते नहीं, सामाजिक संस्था के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अगर उन्होंने किसी को बुलाया है, उनकी पार्टी तोड़ दी, बीजेपी प्रधानमंत्री और अमित शाह पर ही आरोप है ना कि आपने अजीत पवार को तोड़ दिया। जिसने पार्टी तोड़ दी, परिवार में दिक्कत करवा दी, उसी के सम्मान दे रहे सर, ये कौन सी राजनीति है? मुझे नहीं समझ आया महबूब भाई। सम्मान पवार साहब ने नहीं दिया, सम्मान संस्था ने दिया। और लेकिन पवार साहब वहां के साक्षी तो बने ना, उसी संस्था ने पवार साहब को भी बुलाया था, सुशील कुमार शिंदे साहब को भी बुलाया था, और वो संस्था का प्रोग्राम था वो। हाँ ठीक है, अब मैं उसके बाद मैं ये सीधा सवाल अब अतुल जी से पूछता हूँ। अतुल जी चलिए, शरद पवार साहब तो चले गए, वो आपकी पार्टी के नेता नहीं है, ये सुशील कुमार शिंदे क्यों गए आपकी पार्टी वाले? क्या वो नहीं जानते हैं कि किस तरह से मर्यादाओं को तार तार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो आप दावा कर रहे हैं? तो सुशील शिंदे क्यों गए? इसमें कोई दोहराई नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को तार तार किया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम की बात कर राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य संबंध को धक्का पहुंचाया है, संविधान को धक्का पहुंचाया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी सुशील कुमार शिंदे जी उस तिलक ट्रस्ट के कई सालों से ट्रस्टी है, हम भी चाहते थे उन्होंने भी नहीं जाना चाहिए था, वो ट्रस्टी थे, वो गए, सामाजिक प्रोग्राम था। शरद पवार ने तो माना नहीं, आपके नेता सुशील कुमार शिंदे ने भी नहीं माना, ये भी गजब है। मतलब महाराष्ट्र की राजनीति मेरे को कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आती है अतुल भाई, कहीं ऐसा ना सुशील कुमार शिंदे भी अजीत पवार के बगल में बैठे दिखाई दिए, ये भी हो सकता है मुझे लग रहा है। और बार बार ये चर्चा महाराष्ट्र का समझा, दिल्ली के दूरबीन आने को तैयार बैठा है बीजेपी में। किशोर तिवारी जी को नाम बताओ, किशोर भाई कौन है वो? पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी महाराज। अतुल भाई भी हंस रहे हैं, यार हंसते रहना चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ए दीपक भाई हाँ, और मैं जब हंसता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है, आपको ये पता है। दीपक भाई बात करूं? हाँ बोलिए ना। देखिए मैं प्रेम शुक्ला जी की खुशी वो छुपा नहीं पा रहे, लेकिन इतनी खुशी की बात नहीं है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी ने एक अच्छी बात बोली कि सार्वजनिक कार्यक्रम में भी दलगत राजनीति नहीं लाना चाहिए। लेकिन दीपक चौरसिया जी, तुम्हारी ये बात बड़ी
सीरियस है कि जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में खेली जा रही है, ऐसे वक्त शरद पवार जी हो या सुशील कुमार शिंदे हो, उन्होंने मंच साझा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे मैसेज गलत जाता है। और अभी 24 के लिए जो इंडिया अलायंस की तलवार है उसकी धार कम होती है, तो शरद पवार जी ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए कि, और इस पर तो बहुत होगी। ठीक है, महबूब खान जवाब देना चाहते हैं। महबूब खान साहब जवाब दीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। वाजपेयी जी को मतलब ये तो ये पवार साहब की गुगली, पवार साहब इतने सार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में रहे, ये जो गुगली है समझ नहीं आ रही है लोगों को। महबूब भाई बताइए, शरद पवार साहब की भूमिका काफी स्पष्ट है। शरद पवार साहब बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले हैं, और कल ही उद्धव साहब ठाकरे, बाला साहब थोरात और शरद पवार साहब एक मंच पर थे, और वहीं पर पवार साहब ने कहा कि हम तीनों महाराष्ट्र में बदलाव ला सकते हैं और लाने वाले हैं। मुझे लगता है कि सार्वजनिक किसी संस्था का प्रोग्राम हो उसे राजनीति से जोड़ना ये ठीक नहीं है। राजनीति से अगर सार्वजनिक प्रोग्राम को हम जोड़ेंगे तो मुझे लगता है जब हम महाविकास आघाड़ी के ही जो दल है जो साथ में हमें काम करना है वही दल अगर इस प्रकार से बात करेंगे तो लोगों में संशय और बढ़ेगा। 5 जुलाई को जब यशवंत राव चव्हाण प्रतिष्ठान में ये शपथ विधि होने के बाद शरद पवार साहब ने मीटिंग की, उसी मीटिंग में शरद पवार साहब ने कहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कीमत देना हो या हम देंगे, और सभी युवाओं ने पुरोगामी विचार जीवित रखने के लिए लड़ने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि ये दौर कठिन है और इसमें युवाओं का साथ हमें जरूरी लगता है और हमें पुरोगामी विचार बचाना है। ये जाहिर मंच से पवार साहब ने 5 जुलाई को कहा है। अगर आप किसी को लगता है, अरे 5 जुलाई तो पीछे रह गई मेरे भाई, आज 1 अगस्त है, 5 जुलाई तो पीछे रह गई, आज 1 अगस्त है, क्या बोलते खड़े हैं। और शरद पवार जी देखा वो कहते हैं ना सामना में लेख लिखा है, आश्चर्य तो शरद पवार हैं, कुछ भी दिन पहले जिनकी पार्टी तोड़ी गई आज शरद पवार उन्हीं मोदी की आओ भगत करेंगे। बताइए महबूब साहब, ऐसा है कि पार्टी हमारी तोड़ी, पार्टी शिवसेना की तोड़ी, इसका मतलब सार्वजनिक कार्यक्रम में जो कार्यक्रम पहले से तय है उसमें अगर नहीं जाते तो वो गलत है। अगर उसके बाद मोदी साहब ने पुणे में 3 प्रोग्राम किए, क्या उसमें से किसी प्रोग्राम में शरद पवार साहब शामिल हुए? अगर वो शामिल होते थे, ऐसा 5 जुलाई के बाद कभी शरद पवार साहब ने कहा? किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। किशोर जी कभी 5 जुलाई के बाद, एक मिनट, महबूब शेख जी जो बात कर रहे हैं वही बात शरद पवार जी ने करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी बताता हूं कि जो लोग अभी भाजपा के बहुत खिलाफ है और पार्टियां तोड़ने के बाद जो मोदी जी के खिलाफ आक्रोश है उसमें प्रशंसकों को ये सब नागवार गुजरता है और ये गुजरा है, और सुशील कुमार शिंदे को तो कांग्रेस ने पूछना ही चाहिए, ये बात मैं स्पष्ट कहूंगा। और मेरी पार्टी ने तो, मेरे पार्टी के मुखपत्र ने तो सवाल पहले ही दागे थे, और हम इस बात से बड़े हमारी साफ घोषित से हम कहते हैं कि 24 के चुनाव तक प्रजातंत्र को अगर बचाना है तो मोदी जी के सम्मान में कोई भी कसीदे कहने से बाद में उन पे टीका करना कमजोर पड़ता है, ऐसा नहीं होगा ना। तो ओवरऑल तो मैसेज गलत ही गया। अब मैं तो अतुल ने स्पष्ट नहीं बोला, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं कि किसी भी तरीके से आप मंच साझा करेंगे, मोदी जी उनके मोदी जी के पीठ पर ये हाथ फिराएंगे और मोदी जी फिर अजीत पवार के पीठ पर फिराएंगे, और उस पर ही तो हमारे मराठी मीडिया।